सुबह बिस्तर से उठ करके जमीन में पैर रखे या ना रखे, छींके आना चालू हो जाना, एक दो छींके नहीं 10-20-50 तक छींके बारी बारी से आते रहना, नाक से पानी चलना शुरू हो जाना, सर झुका ही नहीं सकते, नाक से पतला पानी जैसा निकल रहा है, नाक में खुजली, आँखों में खुजली, जलन महसूस हो रहा है, कान में खुजली हो रहा है, नाक सूज गया है, माथे में दर्द होना चालू है, थकावट महसूस कर रहे हैं, ना सुगंध ले पा रहे हैं ना दुर्गंध की अनुभूति कर पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं ना, ये साइनसाइटिस के मुख्य लक्षण हैं। और काफ़ी लोगों को ये समस्या जो है काफ़ी समय से चल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, जा करके मेडिकल शॉप से एंटी एलर्जिक्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आपने स्थायी समाधान के लिए जो स्थायी रूप से फॉलो करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है आपने फॉलो किया ही नहीं। तो आज मैं उन सभी टिप्स को आप सभी के समक्ष रखूँगा, और मैं उम्मीद करूँगा आप फॉलो करके अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरूप, मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन करूँगा, सबसे पहले मेरे इस चैनल को डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक देना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके सवालों और सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के भेजें। साइनसाइटिस के लिए काफ़ी लोग परेशान होकर के एक से एक विशेषज्ञ डॉक्टर के पास, ENT के डॉक्टर्स के पास भागते रहते हैं, जाते रहते हैं, कई तरह की एंटी एलर्जिक्स और स्टेरॉइड्स ले करके अपने शरीर को और दूसरी बीमारियों का भी शिकार बना रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, जिनको भी साइनसाइटिस है या जो भी साइनस इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, उनको जो है हाथ की अच्छी से धुलाई करना चाहिए, क्योंकि गंदे अस्वस्थ हाथों से नाक के माध्यम से या मुँह के माध्यम से साइनसाइटिस का इन्फेक्शन फैल सकता है। अपने नाक को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, सलाइन वाटर का प्रयोग करके नाक की सफाई रख सकते हैं, गर्म पानी का स्टीम लेने की एक आदत डालिए। जैसे ही आप बाहर से कामकाज से घर में लौटे हैं तो स्टीम जरूर लीजिए 5-10 मिनट तक गर्म पानी का। अपनी को जानकारी रहना चाहिए कि किन चीज़ों को खाने से या किन चीज़ों से हमको जुखाम ज़्यादा बढ़ता है या छींके ज़्यादा आती हैं, उन चीज़ों को पार्टिकुलर एलर्जन से बचने की कोशिश करना चाहिए। कोशिश कीजिए हफ्ते में एक दिन कम से कम, या तो रोज़ाना जो है नाक को जो है अच्छे से साफ करने का, उसके जो सुरागे हैं नाक के अंदर वो ब्लॉक ना हो जाए, उसमें कोई रेशा ना बन जाए, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए। कोशिश कीजिए किसी को भी साइनसाइटिस या जुखाम है तो नेचुरल हर्बल रेमिडीज़ का प्रयोग कीजिए, काढ़ा का प्रयोग करना चाहिए, जिंजर तुलसी के चाय वगैरह ले सकते हैं, बेहतर है। इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली आयुर्वेद की या होम्योपैथिक की दवाइयाँ लीजिए, जिससे स्थायी समाधान मिल सकेगा। क्योंकि एंटी एलर्जिक और स्टेरॉइड्स आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, एलर्जन के खिलाफ लड़ने की क्षमता नहीं बढ़ाती है, वो सिर्फ आपको टेम्पररी रिलीफ देती है। आपको यह महसूस करना चाहिए कि रोग का स्थायी समाधान एक चीज़ है और रोग को थोड़े समय के लिए ब्लॉक कर देना, रोक के रखना एक चीज़ है। क्योर होने की तमन्ना रखिए, रोग को कंट्रोल करने की तमन्ना से अगर चलेंगे तो बार बार आप स्टेरॉइड्स और एंटी एलर्जिक दवाई लेते लेते अपने शरीर को दूसरी अन्य बीमारियों का शिकार बना लेंगे। और एक बात है, एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड से जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, स्वस्थ बैक्टीरिया हैं, जो शरीर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उसको भी आप मरवा रहे हैं, मर्डर करवा रहे हैं। तो अनावश्यक आप एंटीबायोटिक्स और एंटी एलर्जिक्स या स्टेरॉइड्स ना लें, अति आवश्यक हो तो चिकित्सक के तत्वावधान में लें और उतना ही डोज लें जितना आपको लिखा गया हो, अतिरिक्त ना लें। योगा और प्राणायाम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत आवश्यक है। नासिका केंद्र में जो मौजूद दूषित इन्फेक्शन है उसको दूर करने के लिए योगा और प्राणायाम जरूर कीजिए। वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग लाखों रुपए खर्चा करके योगा की क्लासेस अटेंड करते हैं, आप नेट में चेक कर सकते हैं। कनाडा, UK में लाखों रुपए से एडमिशन ले रहे हैं, और ये तो हमारे देश का ज्ञान है, सब कुछ हमारे
देश में उपलब्ध है, तो आप इसको जो है जरूर फॉलो करें। कोशिश कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, पॉल्यूटेंट से बचना है, जिससे जो है छींके वगैरह या नाक के अंदर गंदगी ना चले जाए, तो मास्क का प्रयोग कीजिए उन स्थानों पर जहाँ पर इसकी संभावना हो। ठंडी से जरूर बचाव करना चाहिए, क्योंकि साइनस का इन्फेक्शन जो है वो ठंडी हवा के संपर्क में ज़्यादा होता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो कीजिए, हेल्दी डाइट का प्रयोग कीजिए, ठंडे खान पान, चिकनाई युक्त भोजन साइनस के इन्फेक्शन को बढ़ा देते हैं। कई बार साइनसाइटिस के पेशेंट को दूध, दही, मक्खन भी वर्जित किया जाता है, तो उनको जरूर फॉलो कीजिए। फ्रिज के आइटम को ना लें, रात को वक्त पे खाना खा करके सो जाएं और वक्त पे सुबह जल्दी उठे, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज लेने से आपके बीमारी को दूर करने में और आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप अगर साइनसाइटिस से पीड़ित हैं या साइनस इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं, तो मैंने जो टिप्स आपको शेयर किया है इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत जल्द से जल्द इसमें आराम मिलेगा। और आप अगर इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, तो मेरे तीनों क्लिनिक्स के एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में डॉक्टर अरूप कुमार दास पेज में भी उपलब्ध है। आप वहाँ से भी मुझ तक संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।